तो उस दिन होली के साथ उस दिन दीपावली भी होगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे अजय भट्ट जी इस क्षेत्र से दूसरी बार आप सबके आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अजय भट्ट जी को अपना आशीर्वाद देंगे और मोदी जी ने जो काम करने हैं तीसरी टर्म में, हम सब जानते हैं, उन्होंने पहले ही कहा है तीसरी टर्म में और बड़े फैसले होने वाले हैं। तीसरी टर्म में जो विकसित भारत का संकल्प है वो तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की और बड़ी शक्ति बनने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो उत्तराखंड की बात न करते हो। हर एक अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड का स्मरण किया है। आपने मन की बात देखी होगी, उनके अनेक कार्यक्रम देखे होंगे, हर कार्यक्रम में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भाई और बहन को जो अपने कामों में लगे हुए थे, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज ब्रह्मकमल लगी हुई टोपी जो हमारी पूरे विश्व में विख्यात हो गई, पूरे विश्व के अंदर में, इंग्लैंड गया था मैंने देखा, मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, वहां भी मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड की जो ब्रह्मकमल की टोपी है वो धारण किए हुए थे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 26 जनवरी को लाल किले में वही टोपी धारण की हुई थी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है। इसलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो कितनी सारी नई ट्रेनें यहाँ से चली हैं। आप देखिए कितने हमारे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, तेजी से काम आगे बढ़ा है। जमरानी बांध जो हम कई दशकों से सुनते थे कि जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा, आप सब भी सुनते होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हमारे अजय भट्ट जी ने उसके लिए संपूर्ण प्रयास किया, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से किया और आज हमको जमरानी बांध की जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है। भाइयों बहनों, उसका निर्माण का कार्य चल गया है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य बात लगती होगी कि हमारे राज्य के अंदर दूसरा एम्स भी खुल गया है, दूसरा एम्स भी खुलने जा रहा है, हमको दूसरे एम्स की भी स्वीकृति हो गई है। कहां तो बहुत सारे राज्यों में एक एम्स भी नहीं खुल पाया है और उत्तराखंड में यही उधम सिंह नगर में, यही हमारे रुद्रपुर में, यही किच्चा में, यहीं पर दूसरा एम्स बनने जा रहा है, एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने जा रहा है। रानीबाग एक्सएमटी फैक्ट्री, कई सालों से वो भूमि हस्तांतरण लंबित पड़ा हुआ था। भाइयों बहनों, आज वो हमको उसकी भी भूमि हमको मिल गई है। ऐसे अनेक काम हुए हैं, आपने देखा होगा हरमिंदर साहब जाने के लिए अभी अजय भट्ट जी के प्रयासों से यहां से ट्रेन चालू हो गई है। ऐसे अनेक काम हुए हैं, मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम सड़कों की बात करें तो कितना आसान आज सड़कों में जाना हो गया है। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, ये भारत सरकार में मंत्री भी थे, उसके बावजूद भी इन्होंने लगातार लोकसभा क्षेत्र के लिए काम किया है। अभी पिछले दिनों में जसपुर आया था, डॉक्टर सिंघल जी यहाँ मंच पर हैं, तब भी मैंने कहा था कि जो धामपुर काशीपुर रेलवे लाइन है उसकी भी हमको आगे भविष्य के लिए स्वीकृति मिल गई है। ऐसे अनेक काम, शिव अरोड़ा जी मंच पर बैठे हैं, ये लगातार यहाँ रोड की चौड़ीकरण की बात करते हैं, इसकी भी हमको जो है भारत सरकार को हमने प्रस्तावित कर दिया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं अजय भट्ट जी हमारे सदैव कर्मशील रहे हैं, जुझारू हैं। आपने देखा होगा लगातार यहाँ आते रहते हैं, मैं कई बार उनको फोन करता हूँ सवेरे तो कहते हैं कि मैं अभी रात को यहाँ दिल्ली था और रात में चल के हल्द्वानी पहुँच गया हूँ, आज मैं यहाँ काशीपुर पहुँच गया हूँ, आज मैं नानकबता पहुँच गया हूँ, और कभी कभी तो मुझे पता लगता है कि ये रात में चल के बेताल घाट पहुँच गए, रामगढ़ पहुँच गए हैं,